यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करती चलूं चीमा साहब एक सेकंड, कि आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि आप कह रहे थे कि मार्स पे चले गए थे इंडिया और यूएई, तो हमने जाके क्या करना है, इमरान खान को पता है कि मार्स पे तो इंसान रहते नहीं है, तो वो किससे मतलब किसी से मांग भी नहीं सकेंगे भी, तो वहां पे जाकर उनको क्या फायदा होगा जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो वो सिर्फ ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां से उनको लोन मिल सके। तो मजहब का नाम लेकर, चाहे वो ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट्स हो या कोई भी, तो यहाँ पर उसी का नाम लेकर आगे बढ़ा जाता है, तो शायद वही कोई इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अरब कंट्रीज को, और उन्होंने इम्प्रेस होना नहीं है हमसे, इसलिए कि वो अगर लैंग्वेज के ऊपर तो कभी भी इम्प्रेस नहीं होंगे। अगर कोई इम्प्रेस होता है, चाहे वो एक आम जिंदगी में कोई हो या कोई कंट्रीज हो, तो वो आपकी इकोनॉमी अगर स्ट्रांग होगी तो फिर आप चाहे कोई भी जबान बोले वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको मालूम ही है कि इकोनॉमी का क्या हाल है, और उसके बाद गवर्नमेंट्स किस तरह से चल रही है, और गवर्नमेंट के खर्चे किस तरह से पूरे हो रहे हैं, जगह जगह पे जो है वो लोन मांगने के लिए, और इस तरह से चलता रहता है। तो जबान सीख लेने से ऐसा नहीं होगा कि सऊदी अरब को इम्पोर्टेंस देने लगेगा, क्योंकि जिस तरह की भीख इमरान खान मांगने के लिए जाते हैं तो वो तो किसी भी जबान में कहेंगे तो वो समझ जाएंगे अगर उन्होंने देना है, और अगर नहीं देना तो फिर वो कोई भी जबान बोले इमरान खान साहब, तो उनको कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करती चलूं चीमा साहब एक सेकंड, कि आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि आप कह रहे थे कि मार्स पे चले गए थे इंडिया और यूएई, तो हमने जाके क्या करना है, इमरान खान को पता है कि मार्स पे तो इंसान रहते नहीं है, तो वो किससे मतलब किसी से मांग भी नहीं सकेंगे भी, तो वहां पे जाकर उनको क्या फायदा होगा जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो वो सिर्फ ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां से उनको लोन मिल सके। तो बस वो इम्प्रेस कर रहे हैं अरब कंट्रीज को जो इम्प्रेस नहीं हो रही है उनसे, अनफॉर्चुनेटली। मैडम मेरा मकसद ये था कि पाकिस्तान मार्स में जाए, मैं ये कह रहा था कि जो मेरा मौकफ ये था कि पाकिस्तान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें हम अरबियों को बद्दू कहते थे, वो मार्स पे चले गए। हम इंडिया का मुकाबला तो करते हैं, जारी बात है, और करना भी चाहिए, लेकिन द पॉइंट इज के उनके अपने उन्होंने उनकी इकोनॉमी बेहतर है, स्टेबिलिटी है जीडीपी ग्रोथ रेट में, तो वो तो कर सकते हैं, हमें तो जारी बात है इन्वेस्टमेंट करते हुए भी सोचना चाहिए। लेकिन मैडम एक बात बताएं, इमरान खान साहब तो ये अरेबिक लैंग्वेज लेके नहीं आ रहे, ये तो PML-N लेके आ रही है, ये तो जो सेनेटर मुर्तजा अब्बासी है वो PML-N के सेनेटर हैं, और अपर हाउस यानी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से आया है। तो वाई इमरान खान को फॉर अ मोमेंट आप तनकीद जरूर करें, लेकिन फॉर अ मोमेंट व्हाट डू यू थिंक ये क्यों कर रहे हैं, वाई PML-N और वाई ये मौलवी जो है पाकिस्तान में, खासकर फजल रहमान साहब की जमात। सर पाकिस्तान में तो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे जरदारी साहब की हो, चाहे नून लीग की या PTI की, हर एक ने जो है वो मजहब का ही चूरन बेचा है। और मौलाना फजल उर रहमान और इस तरह के जितने यहाँ पे मौलवी माफिया बैठी हुई है, उनको उन्होंने तो हमेशा से मजहब को ही हथियार बनाया है, और इन्हीं लोगों की वजह से आज लोग इस मजहब को बुरा भी समझना शुरू हो गए हैं। जिस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह के ये लॉज लेकर आते हैं, जिस तरह की इनकी हरकतें, तो ये चीज तो इन्होंने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इमरान खान भी उससे अलग नहीं है, नून लीग भी अलग नहीं है, और ना ही PTI उससे सॉरी पीपल्स पार्टी उससे अलग है। ये सब इस चीज में जाके एक ही हो जाते हैं, एक ही तरह से बिहेव करते हैं, एक ही तरह से हर जगह मजहब लेके जाते हैं, हर इस्लामिक कंट्री में जा रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं हमको बताने के लिए कि जी हम भी इस्लामिक कंट्री है तो हमें कोई घास डाल दें, लेकिन उनको कोई घास नहीं डाल रहा होता। और इसी तरीके से मौलाना फजल उर रहमान का भी यही है। अभी वो कितने साल वो कश्मीर कमेटी के आपको मालूम है चेयरमैन रहे, 16 साल के 18 साल, और उसके बाद अब वो बाहर हुए हैं, तो अभी बहुत उनको तकलीफ हो रही है कि वो क्यों नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो जब वो 16 साल थे तब उन्होंने क्या कर लिया था, कौन सी नई डेवलपमेंट ये लोग लेकर आए थे। सारी दुनिया ने जो चीजें भी ईजाद की है उन्होंने अरबी पढ़ के ईजाद नहीं की, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है। इस तरह की चीजें पढ़ पढ़ के लोग जो है वो चीजें जिसपे मैं और आप बात कर रहे हैं ये भी उन्हीं लोगों की जात की भी चीज है ना। हमने तो कुछ भी नहीं बनाया है सिवाय लोगों को उल्लू बनाने के, वो हम बहुत अच्छा बना लेते हैं। लेकिन बात वही है कि मौलाना फजल उर रहमान और दूसरों की जो आप बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनको कौन सी चीज की उनको समझ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारे, तो जो मिनिस्टर भी आता है, चाहे पिछली गवर्नमेंट्स के हो चाहे इस गवर्नमेंट के हो, आपको मालूम है कि वैसे ही इनको वजारत दे दी जाती है। इनमें से किसी का भी उस शोबे से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जिन लोगों का होता है इनको वो बाहर रखते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जिधर के भी कहीं से भी उठा के इनको बना देते हैं और ये नहीं देखते कि इनको इस चीज की समझ है या नहीं है। इसी वजह से आज हमारा ये हाल है। आपके पार्लियामेंट के अंदर जितने पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, इनको बगैर बताए इनका टेस्ट लें, अगर आप इनको बोले पार्लियामेंटेरियन लिख के बताओ तो 50 से 60% को स्पेलिंग ही नहीं आती होगी पार्लियामेंटेरियन की, उर्दू में इंग्लिश में। हाँ सारी बात है, इनको वो IQ लेवल और हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी जो स्कूलिंग है पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो तो कोई इतनी मुनासिब नहीं है, उस पर बड़ी की जा सकती है। लेकिन आपने वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की कि वैसे जब से फवाद चौधरी आए हैं उन्होंने काफी कोशिश की है इनिशिएटिव लेने की, इनोवेटिव, उन्होंने वेंटिलेटर्स भी काफी बनाए ये कोविड-19 की वजह से। तो लेकिन असल चीज तो ये है कि कितना, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी करना हो मैडम, तो जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास फंड्स कितने हैं। जितने ज्यादा फंड्स होंगे जारी बात है उतना ही वो एक तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चीमा साहब, इनके पास अपने पार्लियामेंटेरियंस को 50-50 करोड़ देने का फंड है, लेकिन इनके पास बाकी चीजों के लिए फंड नहीं मिलता। खासतौर पे एजुकेशन के लिए तो कभी भी फंड नहीं होता। अभी नहीं, आप पिछले 70 साल के वो पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको किसी गवर्नमेंट का फंड भी जो है एजुकेशन में लगता हुआ नजर नहीं आएगा, इसलिए कि एजुकेशन को कुछ समझता ही नहीं है। इनको लगता है कोई जरूरत ही नहीं है, इन्होंने क्या बनाना है, सुई तक तो हम बनाते नहीं है। तो इन्होंने बस अगर कोई कुछ पूछा कहते हैं क्यों फुटबॉल बनाते हैं, बस हम वही बता के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि जिस चीज को इम्पोर्टेंट समझती, क्योंकि इनकी अपनी औलादें तो बाहर पढ़ती है, पाकिस्तान में तो कोई नहीं पढ़ती। जिससे पूछो, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, किसके बच्चों ने पाकिस्तान में पढ़ाई की है? हर कोई बाहर भेज देते अपने बच्चों को। यहाँ तो हमारे जैसे रह जाते कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधे साधे खानदानों से होते हैं, तो हमें यहाँ पढ़ना होता है। तो इन्होंने क्या करना है, एजुकेशन में पैसे लगा के, और आपको मालूम है यहाँ पे जो रहते हैं वो जमींदार और इस तरह के जो लोग हैं, वो तो वैसे ही अपने लोगों को आगे नहीं चाहते कि वो बढ़े। जो इनके इलाके के हैं इनको वो गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उसके लिए वो नहीं चाहते कि वो तालीम हासिल करें और कल को इनके साथ सर उठा के बात करें। आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक जाके वो अपना दरबार लगाते हैं और लोगों से चंदे जमा करते हैं, उनकी तस्वीरें मौजूद हैं कि वो नोट ले रहे हैं लोगों से, 5-5 हजार की गड्डियां वो जमा करते हैं। और उसके बाद खुद वो बाहर से पढ़े हुए, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। उनका माइंड आज भी वही है जो कि किसी जाहिल आदमी का हो सकता है। जाहिल से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो लिखने पढ़ने वाले, और उसका फर्क होता है ना कि डिग्री याफ्ता और एक जिसको लिखना पढ़ना ना आए, उसको जाहिल नहीं कहते। जाहिल इनका जहन में जहालत है इनका। अगर ये चाहते हैं इनके इलाके के लोग आगे ना बढ़े और वो पीछे रहे ताकि वो उनकी बात को सुनते रहे, तो इसको मैं जहालत कहूंगी। अभी इन्होंने एक आदमी सीधे पता है कि इनको फैसल वावडा का, कि उसके पास डुअल नेशनल है, तो जब इन्होंने शोर मचाना था, इनके लोग नहीं थे, तो ये कहते थे डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत शोर किया इन्होंने। अब इन्हें खुद चाहिए फैसल वावडा के लिए, तो इन्होंने फौरन ही उसमें तरमीम करके इन्होंने कहा हाँ जी लगा दो। और इसी तरीके से इन्होंने अपने बाकी जुल्फी बुखारी और जितने इनके ATM कार्ड है, जुल्फी बुखारी का कोई बिजनेस अगर आपको पता है क्या करते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं है कि वो काम क्या करते हैं, लेकिन बेताशा पैसा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बस इमरान खान वो जो कहते थे ना, मैं आम लोगों के लिए आ रहा हूँ, यानी जो आम पब्लिक है, तो आम पब्लिक में कहीं नजर ही नहीं आती। वो तो हर किसी को तभी साथ रखते हैं जिसके पास अरबों हो, करोड़ों भी नहीं, अरबों में जो खेल रहे होते हैं, उनके साथ ये पार्टी को लेके आगे चले। लेकिन आई विश कि इनकी फॉरेन फंडिंग केस का जल्दी फैसला हो जाए ताकि सबको पता लगे कि हो क्या रहा है।